सभी समय बिताने के बाद कांग्रेस के पार्षद रायपुर लौट आए हैं। रायपुर में ये लोग एक होटल में रुके थे, जहां पहुंचने के बाद मीडिया में आई एजाज ढैबर को मेयर बनाने की खबरों का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा ने खंडन किया है। और ये जायजा हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने लिया था, चलिए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का पार्षदों का दल जो विधायक सत्यनारायण शर्मा और विकास उपाध्याय लेकर के गंगरेल डैम गए थे, वो वापस होटल लौट चुका है और क्या फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन मेयर होगा। हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या तय हो जाएगा या पहले से सब कुछ तय हो चुका है? अभी पर्यवेक्षक पद आए हैं, अभी तय उनको करना है, मुझे अभी से भी कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में। अखबारों में खबरें छप रही है कि आपने किसी का नाम गलत है निराधार रहे हैं और ये संभावना के आधार पर कुछ कुछ भी छापा रहे, मुझे उसकी चिंता भी नहीं। ये बताइए क्या फॉर्मूला बनाया, कैसे तय होगा? देखिए, हम लोगों का मुख्यतः जो हमारा क्राइटेरिया है कि हमारे जो विधायक हैं इस रायपुर नगर के और हमारे जो चुने हुए पार्षद हैं, इन लोगों का अभिमत क्या होता है और इन लोगों के अभिमत के आधार पर और हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मार्गदर्शन हैं, उन मार्गदर्शन के बेसिस पे हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि जो निर्दलीय पार्षद हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था, वो चूंकि टीम के साथ नहीं गए थे, तो वो क्या संपर्क में है या फिर कौन से निर्दलीय पार्षद? देखिए, वो ऑलरेडी हम सब से मुलाकात है उन लोगों की और जो सामूहिक निर्णय होगा उसमें फैसला वो हमारे साथ है। अभी उनसे कांटेक्ट है? बराबर कांटेक्ट हमारे साथ है, मैंने बताया ना आपसे। हमारे साथ युवा पार्षद अनवर है, उनसे बातचीत करते हैं। नाम तय हो चुका है लेकिन सख्त निर्देश है कि नाम न लिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मीडिया में बताया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं। हम सब 34 लोग एक साथ हैं, आपस में एक दूसरे को जान पहचान के लिए हमें बाहर घूमने ऐसे एक दिन के विजिट के लिए ले जाया गया था और एक दूसरे से जान पहचान हुई है। अब आगे हम सभी जन ने मिल के ये तय किया है कि जो शीर्ष के नेता हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, ये जो तय करेंगे, हम सब मिलकर उसका साथ देना है, उनको वोट करना है। रिजॉर्ट में बिताए हमारे साथ आकाशदीप है, युवा पार्षद, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ तय हुआ क्या रिजॉर्ट में? सिर्फ पिकनिक ही हुआ है या कोई बातचीत भी हुई? अभी वहां तो ऐसी कुछ खास बातचीत नहीं हुई और हम सभी पार्षदों ने मिलकर ये फैसला किया है कि जो भी आला कमान का आदेश रहेगा उस पर हम सब सर्वमति के साथ अपना महापौर चुनेंगे। तो सर्वमति के साथ आला कमान का जो निर्देश होगा उसका पालन करते हुए महापौर चुनेंगे। रायपुर से रूपेश गुप्ता। खबर आपको भोपाल।